सर के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है वो है मानव अभिवृद्धि एवं विकास। उसमें जो आज का हमारा अगला टॉपिक है वो है मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत होते क्या। जो भी चीजें हमें लिखित विवरण के रूप में प्राप्त होते हैं वही सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, तो मानव अभिवृद्धि एवं विकास के रूप में सिद्ध किए गए जो भी लिखित विवरण है वही क्या है, सिद्धांत है। और कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक क्रम के अनुसार। ठीक है, तो इसमें सबसे जो पहला है वो पहला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम निरंतर विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत के नाम से? निरंतर विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब निरंतर विकास का सिद्धांत का तात्पर्य पर क्या है, मानव अभिवृद्धि एवं विकास जो है, ठीक है, वो क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। जो विकास होती है मानव में, जो विकास होती है ये विकास क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। इसकी यह कभी भी अविरल नहीं होती है, मतलब अपने अविरल गति से चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। इसकी गति क्या होती है, कभी धीमी होती है कभी तीव्र होती है, लेकिन यह निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है ना, इस सिद्धांत को हम निरंतर विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वह सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत है। अब सामान्य प्रतिमान को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे क्या है, दो प्रकार के प्राणी के बारे में हम पढ़ते हैं, एक होता है मानव प्राणी, ठीक है, और एक होता है पशु प्राणी। एक होता है मानव प्राणी और एक होता है पशु प्राणी। दोनों के विकास के बारे में हम जानते हैं, तो क्या होता है कि जो मानव प्राणी है इनके जो भी शिशु होते हैं, जो भी बालक होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, वह मानव के जो भी विकास का एक क्रम है, एक प्रतिमान है, उसी प्रतिमान के आधार पर उस शिशु का विकास होता है। किस प्रतिमान, यानी कि मानव। उसी रूप में जो पशु प्राणी है, पशु प्राणी के जो भी शिशु होंगे, बालक होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है, उनका जो विकास होगा, यानी कि शिशु के जो पशु के जो शिशु होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनका जो विकास होगा वह किनके अनुसार होगा, पशु के विकास के अनुसार होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य प्रतिमान का तात्पर्य पर जो व्यक्ति जिस प्रतिमान का होगा, ठीक है, उसका विकास उसी प्रतिमान के आधार पे होगा। इस सिद्धांत को हम सामान्य प्रतिमान के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसके बाद से हम अपना अगला देखते हैं, अगला सिद्धांत क्या है। अगला जो सिद्धांत है वो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है। ठीक है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। अब कहने का तात्पर्य पर क्या है कि ये जो विकास होता है, विकास सब में एक गति के आधार पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस संसार में सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग है, सबकी आईक्यू लेवल अलग है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं इस संसार में, जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो भी विकास होता है, विकास होने की जो भी गतियां होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के दो बच्चे एक समान गति में उनका विकास नहीं हो सकता, जरूर उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। किसी में तीव्र गति से विकास होगा तो किसी में मंद गति से विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विकास की जो गतियां होती हैं वो विभिन्न होती हैं, सब में अलग अलग होती हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा अगला सिद्धांत है वो हमारा सिद्धांत है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। क्या है, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के जितने भी पक्ष हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मनुष्य है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के जितने भी पक्ष हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक, ठीक है, मानसिक नैतिक चारित्रिक संवेगात्मक, ये जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों का विकास क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित करके होता है। यानी कि जब शरीर का विकास होगा तो मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा,
बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तो उसके संवेगों का विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक बालक के विकास में बालक के जितने भी पक्ष होंगे सभी आपस में अंतः क्रिया करके एक संबंध के आधार पर क्या होंगे, विकसित होंगे। इस सिद्धांत को हम पारस्परिक संबंध के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला जो सिद्धांत है वह है सामान्य से विशिष्ट। क्या है? सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बालक छोटा होता है तो वह किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या करता है, अपने संपूर्ण शरीर को, ठीक है, अपने संपूर्ण हाथों को क्या करता है, उस वस्तु को पकड़ने के लिए प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन ज्यों ज्यों उसका विकास होता जाता है तो उस वस्तु को पकड़ने के लिए क्या करता है, उस सिर्फ हाथ के अंगुलियों को ही प्रयोग में लाता है और उसके माध्यम से उसे वो क्या करता है, अपने अंदर एक विशिष्ट योग्यता के रूप में विकसित कर लेता है, ताकि किसी भी वस्तु को पकड़े तो हम अपने पूर्ण संपूर्ण शरीर को न ले जाकर के सिर्फ हाथ के अंगुलियों से उस चीज को पकड़ सके, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कोई भी दक्षता सामान्य रूप से बालक पहले जानता है और उस चीज को बार बार करके, ठीक है, जिस तरह से उस बालक का विकास होता है उस सामान्य चीज को अपने अंदर एक विशिष्ट कौशल के रूप में, विशिष्ट दक्षता के रूप में विकसित कर लेता है, और यही जो सिद्धांत कहलाता है वो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो अगला सिद्धांत है वो सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। अब कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी, जैसे एक मनुष्य का शरीर है, एक बालक के शरीर है, शरीर में अन्य कई प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है, जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हाथ है तो हाथ में अंगुलियां हैं, ठीक है, कलाई है, तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के जुड़ने के साथ ही इसका विकास होता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जितने भी पक्ष होते हैं सभी एक दूसरे से संबद्ध करके, एकीकरण करके, जुड़ के ही इनका विकास होता है। इस विकास को हम एकीकरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। क्या? विकास का निश्चित दिशा का सिद्धांत। हमने आपको बताया था कि जो विकास की दिशा का सिद्धांत है वो पूर्णतः शिरोपुंछीय। कैसा है? शिरोपुंछीय, ठीक है। बालक के विकास किस रूप में होते हैं? शिरोपुंछीय के रूप में, यानी कि सबसे पहले बालक के सर का विकास होता है, उसके बाद से उसके धड़ का विकास होता है, उसके बाद उसके अन्य अंगों का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है वह एक निश्चित दिशा में अविरल गति से चलता रहता है। यानी कि 6 माह में क्या करता है, बालक हंसना, खिलखिलाना, माँ पा वा, 7 माह में इस तरह से आवाज निकालने लगता है, ठीक है। उसके बाद से शैशवावस्था उसकी पूर्ण हो जाती है, पहले बालक क्या करता है, रेंगता है, लेकिन शैशवावस्था समाप्त होने के बाद शैशवावस्था के लास्ट समय में वो क्या करता है, चलना आरंभ कर देता है। इस तरह से कर बाल्यावस्था में जाता है तो अपने उसी शारीरिक कोशिकाओं के माध्यम से वो क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो विकास होती है वह एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। और इस सिद्धांत को हम जिस नाम से जानते हैं वो है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद से अगला है व्यक्तिकता या व्यक्तिक का सिद्धांत। व्यक्ति का तात्पर्य क्या है? व्यक्तिगत से, ठीक है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग एक दूसरे से भिन्न है और सबका व्यक्तिगत विकास आवश्यक है। जब सभी लोग एक दूसरे से भिन्न है तो सबका विकास होना आवश्यक है, और सबका विकास किस रूप में होगा, व्यक्तिकता के रूप में होगा, व्यक्तिगत के रूप में होगा, क्योंकि सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग है और रुचि क्षमता योग्यता के आधार पर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विकास होता है वह व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर होता है, ठीक है। उसके बाद से है अगला विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम सिद्धांत का तात्पर्य क्या, कि जो विकास होता है वह एक क्रम के अनुसार होता है, कि मतलब शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। जैसे कि हम शैशवावस्था को देखते हैं कि जन्म से 3 वर्ष, शैशवावस्था की जो पहली काल होती है जन्म से 3 वर्ष, इस काल में क्या होता है, बालक के शारीरिक और मानसिक जो विकास होते हैं बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। जबकि 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है इसमें बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं थोड़ा धीमी गति से होते हैं। इस तरह से विकास का एक क्रम है और उसी क्रम के अनुसार बालक का विकास होता रहता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा अगला आता है सिद्धांत में वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या आता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब एक बालक के अंदर, एक बालक का विकास
किस रूप में होता, उसके वंशानुक्रम के रूप में भी होता और उसके वातावरण यानी कि दोनों के रूप में होता है, लेकिन किस रूप में होता है, दोनों के अंतर क्रिया, दोनों की क्रिया के द्वारा ही एक बालक का विकास होता है। जैसे एक बालक के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से बालक के ऊपर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो इस अंतःक्रिया के माध्यम से जब बालक का विकास होता है, तो वह विकास वंशानुक्रम या पर्यावरण या हम कह सकते हैं वातावरण के अंतःक्रिया के विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारा मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत समाप्त होते हैं और इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जिन प्रश्न को आपको बताता हूं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मानव अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत है। अब मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत इसमें से कौन है? पहला ऑप्शन दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है अधिगम का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन दिया है अ और स दोनों। अब आपको हमने ऊपर बताया है कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन से हैं, तो मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत इनमें से कौन है? निरंतर विकास का सिद्धांत, मतलब निरंतर विकास होता रहता है विरल गति से, कभी भी रुकती नहीं है, भले ही उसकी गतियां क्या होती है, कभी तीव्र होती है कभी धीमी होती है। ठीक है, अगला है मानव विकास होता है, ठीक है, वंशानुक्रम द्वारा, वातावरण द्वारा। अगला ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा। तो जो मानव विकास होता है वह सिर्फ वंशानुक्रम के द्वारा भी नहीं होता है और सिर्फ वातावरण के भी द्वारा भी नहीं होता है, वो किस रूप में होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक का विकास होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? स है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों का विकास एक समान नहीं होता, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपको पता है कि जब जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में, जितने भी मनुष्य हैं सभी क्या एक दूसरे से भिन्न है, सबकी रुचि क्षमता योग्यता क्या है अलग अलग है। तो सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है, सभी लोग एक दूसरे से भिन्न है, तो सबका विकास एक समान नहीं हो सकता है ना, एक समान नहीं हो सकता है। तो इस तथ्य को किस सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं, मानव अभिवृद्धि एवं विकास का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हम किस सिद्धांत के अंतर्गत इस तथ्य को समझ सकते हैं कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और सबका विकास अलग अलग हो सकता है? इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, इसमें किस सिद्धांत के अंतर्गत हम समझ सकते हैं? पहला है वैयक्तिक विकास के सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत और तीसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो? सभी व्यक्तियों का विकास एक समान नहीं होता यानी कि सभी लोग एक दूसरे से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैयक्तिक विकास के सिद्धांत के। ठीक है, उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की सभी कोशिकाएं एक समान अनुपात में विकसित होती हैं? नहीं होती हैं, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, मानव के सभी कोशिकाएं एक समान अनुपात में विकसित होती हैं, यह सिद्धांत किस से संबंधित है? तो यहाँ पे पूर्ण रूप से जब मानव की बात कर रहा है तो एक प्रतिमान की बात कर रहा है ना, तो एक प्रतिमान यानी कि एक प्रतिमान मानव की बात कर रहा है, तो सभी कोशिकाएं एक समान अनुपात में, जब समान अनुपात अनुपात की बात यहाँ पे करता है तो अनुपात यहाँ पे रॉन्ग होगा। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे जो सामान्य प्रतिमान प्राणी की बात करता है, किसकी बात करता है? प्राणी की बात करता है, तो एक सामान्य रूप में विकसित होता है तो उसका आंसर क्या होगा? सामान्य प्रतिमान होगा। ठीक है ना, क्या होगा? सामान्य प्रतिमान। उसके बाद से अगला है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत है, तो अभिवृद्धि और विकास के कौन कौन से सिद्धांत है? पहला इसमें एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत और तीसरा है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। हमने आपको ऊपर विकास के ये तीनों सिद्धांत बताए हैं, अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।